मेरे प्यारेओ, येसु मसीह दे नाम विच स्वागत करदा हां। आस है तुसी ठीक ठाक हो। की तुहाडे मन विच ते जीवन विच आनंद है? वेखो, प्रभु तां तुहाडे जीवन विच रहेगा, पर जिंदगी दा मतलब ही यह है कि उतार चढ़ा तां आउंदे ही रहणगे। लेकिन खास गल यह है कि परमेशर साडे अंग संग रहिंदा है। आकाश अते धरती दा सिरजणहार परमेशर मेरे अंग संग रहिंदा है, मेरी अगवाई करता है ते हर दिन मेरे नाल गल करता है। अज वेखांगे जबूर 48 अध्याय दी 14 आयत विच एक भगत जो कह रहा है, असी भी इसे तरह कहना है। एहो परमेशर तां जुगो जुग साडा परमेशर है, मौत तीक भी ओहो साडा आगू रहेगा। मतलब के जो आकाश अते धरती दा सिरजनहार सर्वशक्तिमान परमेशर, जो अब्राहम दा परमेशर, इजहाक दा परमेशर, याकूब दा परमेशर है, ओ मेरे अंग संग रहिंदा है। एहो मेरे लई आनंद दी गल है। जदों मैं प्रार्थना करदा हां, एहो कहिंदा हां, हे परमेशर, तू जो अब्राहम दा परमेशर है, तू मेरा परमेशर है, तू इजहाक दा परमेशर है ते मेरा भी परमेशर है, जो याकूब दा परमेशर है मेरा परमेशर है। इस तरह कहण नाल आत्मिक जीवन विच ताकत मिलती है ते ओ जिस तरह अब्राहम दे नाल रहिंदा सी मेरे नाल भी रहेगा, जिस तरह इजहाक दे लई काम कीता मेरे लई भी ओ काम करेगा। इस तरह प्रार्थना करन नाल मैनू बल मिलता है। सो तुसी भी इसे तरह कहना है, ओ सर्वशक्तिमान परमेशर मेरा भी परमेशर है, मोहन सी लाजरस दा परमेशर है, तुसी भी एहो कहना है। इस तरह कहण नाल एक उम्मीद, एक आस मिलती है। ओ कितों तक साड़ी अगवाई करेगा? ओ साड़ी मौत तक अगवाई करेगा। हो सकता है तुहाडे माता पिता तुहानू कहंदे होण, मैं तेरे नाल रहांगा, तेरा साथ देंगा। सो तुहाडे माता पिता तुहाडे नाल कदों तक रहणगे? जदों तक उन्हां दी उम्र है उदों तक वो तुहाडे नाल रहणगे, पर परमेशर सदा नाल रहेगा। जदों विआह हुंदा है तां पति पत्नी कहंदे हन कि मरन तक असीं इकट्ठे रहांगे, पर की उन्हां दोहां दी मौत इको समय ते हुंदी है? नहीं। कई बार पत्नी पहला मर जाती है ते पति कहंदा है कि मैं तां इकला रह गया हाँ, इकलापन है, इस तरह की गल कहंदा है। जे पति मर जाए तो पत्नी इकली हो जाती है ते वह कहंदी है मैं बिल्कुल इकली रह गई हाँ। हमेशा ये सोचना है कि तुहाडे माता पिता, पति जां पत्नी, जां बच्चे, जां रिश्तेदार कदे भी कोई भी हमेशा तुहाडे नाल नहीं रह सकता। आखिरी समय तक केवल साडा परमेशर येसु मसीह ही साडे नाल रहेगा। आकाश अते धरती दा सिरजनहार परमेशर ही साडी मौत तक साडे नाल बनिया रहेगा। जीवन विच जेकर तुसी इस तरह दा विश्वास विखाओगे तां किसे दे भी मरण ते तुसी इकल्लापन महसूस नहीं करोगे ते कदे भी दुखी नहीं रहोगे। कई पति पत्नी एक दूजे उत्ते इन्ना ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि एक दे मर जाण ते दूजा उस दे गम विच डुब के इन्ना दुखी हो जाता है कि उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन तुसी ये कहना है कि मेरा परमेश्वर मेरी मौत तक मेरे अंग संग रहेगा। तुसी आप सोचो कि कौन तुहाडे नाल हमेशा रहेगा? तो वेखो कि तुहाडा परमेश्वर ही तुहाडे अंग संग रहेगा। लेकिन तुसी विश्वास नाल ये गल कहनी है। तुहाडे बच्चे भी कई बार तुहानू कहणगे मां वेख मैं तेरे नाल ही रहांगा, पर की ये हो सकता है मौत कदों आवे कोई पता नहीं है। लेकिन मौत उत्ते जित पाउण वाला साडा प्रभु येसु हमेशा साडे अंग संग रहेगा। सो तुसी ये कहना है, हे प्रभु तू मौत तक सदा मेरे नाल रहेगा। ते ये कहण नाल तुहाडे मन च शांति आवेगी। की अज कहोगे, हे प्रभु मौत तक भी तू साडी अगवाई करदा रहिंदा है, मैं कदे भी निराश नहीं होवांगा, कदे भी घबरावांगा नहीं। तू अब्राहम दा ते इजहाक दा परमेश्वर है, तू जो याकूब दा परमेश्वर है, तू ही मेरा परमेश्वर मेरे नाल रहिंदा है। हे परमेश्वर तू मौत उत्ते जित पाई है ते इस लई किसे दी मौत तो भी मैं दुखी नहीं होवांगा क्योंकि तू मेरे नाल रहेगा। येसु दे नाम विच प्रार्थना करदे हां पिता, आमीन आमीन।